भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीस साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता है, चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता है, चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है, 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान में आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है, देश के लोग बदलाव चाहते, देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे, वो बदलाव चाहता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। इक्कीसवीं सदी, कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं। और अब संजोग भी है, मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था, तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था।
कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना, मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा था, फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, साफ सफेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवेल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, जनता जनार्दन वो भगवान का रूप होती है, और जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद होते हैं तो वो स्वयं परमात्मा के आशीर्वाद होते हैं। दुर्भाग्य से अब तक हमारे देश में सरकारों ने डेवलपमेंट का ठेका लिया था, हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे लेकिन आपके दर्द को भी भली भांति जानता हूं। आपकी पीड़ा को मैं भली भांति जानता हूं, और इसलिए भाइयों बहनों हमारी ये कोशिश है कि हम विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। और जब मैं विकास को जन आंदोलन की बात कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से भलीभांति परिचित हैं। अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे, उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया, करीब 1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही विकास ये जन आंदोलन बनना जरूरी है, कि फिर एक बार वो दिन आए हैं, फिर एक बार वो माहौल बना है, हर कोने में हिंदुस्तानी को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है। और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना है। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है,
हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर का। रुपये में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? ये हमारे नौजवानों का सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं, हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। स्थिति बदली जा सकती है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अगर आज आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती। भाइयों, भारत का भाग्य बदलने के लिए हम सबकी इच्छा है, आप उसके साथ जुड़िए। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करके हम अपनी ताकत का परिचय कर सकते हैं, हम अपनी ताकत का कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है, मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार हैं, सबको खत्म करने का शुरू किया है। गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूं तो गवर्नेंस इजी हो, गवर्नेंस इफेक्टिव हो, और गवर्नेंस जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, उस पर हम बल दे रहे हैं। लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए, ये काम कोई ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया हूं, बहुत ही मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान,
मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता है और छोटा हूं इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है। और छोटे छोटे लोगों के लिए काम करने में मेरा मन लगता है। लेकिन छोटा हूं इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रखता हूं। आप देखिए हमारे देश में गंगा, आप मुझे बताइए आप में से कोई ऐसा होगा जिसके मन की इच्छा नहीं होगी कि अपने मां बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान के लिए ले जाऊं। हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो। अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। मुश्किल कामों को हाथ लगाने के लिए तो मुझे बनाया है और मेरी 125 करोड़ देशवासियों की गंगा के प्रति जो आस्था है उस आस्था में मेरी भी आस्था है। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, ये कर्ज चुकाऊंगा, आपके सपनों का भारत बना करके कर्ज चुकाऊंगा। फिर एक बार हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।